आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा बिगनर्स मेकअप प्रोडक्ट। सब लोग अपने अपने वीडियोस में मेकअप लगाते थे दिखाते, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते ये नहीं बताते। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि आप लोग के अफोर्डेबल भी होगा, और अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप दूसरे तरह का भी यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट। तो इस वीडियो में आपको दोनों बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैं लो एंड हाई बजट वाले प्रोडक्ट्स को अलग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आपको मेकअप से पहले सबसे पहले क्या लगाना चाहिए। तो आपको प्राइमर लगाना चाहिए। मेरे पास ना स्टेक वर्टी का प्राइमर है, ये आपके स्किन और कंडीशन के बीच में एक लेयर बनाता है, जिससे आपका स्किन सही रहता है। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, अगर आप नर्स हो तो। ये बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल है। एंड नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास एक फिट मेकअप फाउंडेशन है, सेट 228 है। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते हो और अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपली लैक्मे 95 का ये छोटा वाला फाउंडेशन ले सकते हो। और अगर आप ये भी फाउंडेशन लेना चाहते हो तो आप ये बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। और ये भी आपको नहीं यूज़ करना बीबी क्रीम तो आप ये सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो। तो आप सब जा सकते हो। और हमेशा याद रखिए कि फाउंडेशन को आपको अपने हैंड से नहीं लगाना है, आपको इससे लगाना है ताकि आपका फेस केकी लुक ना लगे फाउंडेशन की वजह से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेबेलिन का कंसीलर। अगर आपको मन है तो आप इसे ले सकते हो, नहीं तो आप कंसीलर को स्किप कर सकते हो, और कंसीलर एक्सपेंसिव ही होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है बनाना पाउडर। ये एबीएस का बनाना पाउडर येलो पाउडर है। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली वाइट पाउडर ले सकते हो। ये हिमालय का बेबी पाउडर है और ये पैराबिन फ्री है, तो ये आपके मेकअप को डार्क नहीं करेगा। और पाउडर हमेशा ब्रश की हेल्प से ही लगाने चाहिए ताकि आपके फेस को नाइस लुक दे। नेक्स्ट उसके बाद मैं ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल है, आप ले सकते हो। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप ये सिंपली फेसेस कनाडा ले सकते हो। इसका प्राइस है 150 रुपये मुझे याद है। तो ये बहुत ही अच्छा है काजल, आप इसे पे जा सकते हो। और नेक्स्ट पेन आईलाइनर है। बिगनर्स हो तो आप पेन आईलाइनर यूज़ करना, आप इजीली लगा पाओगे। और अगर नहीं तो आप फिर आपका बजट लो है तो आप लैक्मे का वाटर आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ तो आप मेरे पास यहाँ, अगर आपको डिफरेंट कलर में यूज़ करना है तो आप स्टेक वेटी का ये दो है, ये ग्रीन है और ये सिल्वर कलर है, तो आप ये जा सकते हो। नेक्स्ट मस्कारा की बात करूँ तो ये लोटस का मस्कारा आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा हाइपर कर्ल देता है। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप मेबेलिन का हाइपर कर्ल ईजी वॉशेबल वाला लेना, क्योंकि आप बिगनर्स हो। इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है लेकिन मुझे प्राइस याद नहीं है। और आप बिगनर्स हो तो आप आई लैशेज को बचाना ही, इसलिए आप स्टार्टिंग में ईजी वॉशेबल वाला ही यूज़ करना। नेक्स्ट आई शेडो की बात कर ले तो मेरे पास ये है स्वीट स्वीटी का आई शेडो पैलेट। और आपके पास ये दो ब्रश तो होने ही चाहिए जिससे आप आई शेडो को लगा सको। और इस शेड का नंबर है 02 और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा शेड है। इसमें सारे शेड मिल जाएंगे जो कि लाइट टिंटेड में है। अगर आपको चेक्स पे हल्का टिंट चाहिए तो आप ये एडीएस का है, ये बहुत ही कम प्राइस का है, तो आप ये इसे अफोर्ड कर सकते हो इजीली। अब बात करें लिपस्टिक की, तो आपको अगर लिप लाइनर पसंद है तो आप सबसे पहले लिप को लाइन कर लेना। और उसके बाद आप ये अगर न्यूड शेड पसंद है तो आप ये कलर सेंस का न्यूड शेड ले सकते हो। आपको मेरे चैनल पे लिपस्टिक का रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा तो आप लोग वो देख लेना। और अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक पसंद है तो आप ये ले सकते हो, ये स्टे क्वालिटी का है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको लो बजट में चाहिए तो आप एलेटिन का यूज़ कर सकते हो, मेरे पास सेड है मॉप डेट, ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट है। और अगर आपको लिप पेंसिल वाला पसंद है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ये लोटस का है। और आप अगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो आप लास्ट में ये मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हो, ये एक्सपेंसिव है। तो आप अपने अफोर्ड के हिसाब से देख लेना, मेकअप फिक्सर अगर आप लेते हो तो वो हर कोई का एक्सपेंसिव वाला ही रहता है। और अगर आप प्राइमर यूज़ कर रहे हो तो मेकअप फिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो ये फिर मेकअप फिक्सर आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अपना मेकअप प्रोडक्ट पता चल गया होगा कि आपको क्या खरीदना चाहिए। तो अब आपके लिए जो भी अफोर्डेबल हो आप उससे बाई कर सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों के लिए उस प्रोडक्ट का रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।